एक खबर आपको बताते हैं, मिसिंग की खबर है। अब्दुल कादिर, जिनकी उम्र 55 साल बताई जा रही है, वो लापता है। आपको बताते हैं, वो बिहार भागलपुर से आए थे अपना इलाज कराने के लिए। 29 जुलाई के दिन मुकुंदपुर रविंद्रनाथ टैगोर हॉस्पिटल के पास से वो लापता है। और बताया जा रहा है, उनकी जो दिमागी हालात है वो ठीक नहीं है, उनको भूलने की बीमारी है और उनके जो फैमिली काफी परेशान है। तो आइए उनके बेटे से बात कराने की कोशिश करते हैं, क्या कहना है उनका। मालूम है, हम लोग अपने पापा को लेके बिहार से रविंद्रनाथ टैगोर मुकुंदपुर हॉस्पिटल में आए थे 29 तारीख को। 29 तारीख को दोपहर में मतलब मेडिसिन उडिसिन दिला के बैठे हुए थे, और थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हुआ और मेरे पापा जो है ना बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद जो है ना वो उसी टाइम से मिल नहीं रहे, मिसिंग हो गए। हम लोगों ने जो है ना जादवपुर थाना, जो बगल में है पुलिस स्टेशन, वहां पर 29 तारीख को ही कंप्लेन कराए थे। तो पुलिस वाले बोले कि ठीक है, हम लोग भी ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन आज तो 17 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिला है, मिल नहीं रहे हैं। तो तो ये क्या मतलब, क्या क्या कपड़ा क्या पहने थे जिस जिससे तुम। कपड़ा यही शर्ट है जो इसमें है, और नीचे लुंगी है, ब्लू कलर का चेकदार लुंगी है, और चप्पल रेड चप्पल है। तो दिमाग वगैरह का कैसा मेंटेन थी, कैसा था। बात यह कि उसका दिमाग का ही इलाज चल रहा था और याददाश्त कमजोर है उसका। याददाश्त कमजोर। हाँ, पहले भी मतलब आए थे ना तो बाहर जाते थे, लेकिन रिटर्न आ जाते थे घूम फिर के। लेकिन इस बार जो है ना 29 तारीख को जो बाहर निकले तो मतलब रिटर्न नहीं आए। तुरंत हम लोग जो है ना मतलब खोजने के लिए भी गए, लेकिन मिले नहीं। उसी दिन लगभग 3 या 4 बजे पुलिस थाने में भी कंप्लेन कराए थे। लेकिन तो ये जो गायब हुए हैं, खोए हैं, कहीं आप लोगों ने देखा है इनको। जी, हम लोगों को तो मतलब अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन ढूंढने गए थे तो कोई बोलता था कि 2 दिन पहले देखे हैं, 3 दिन पहले देखे कहाँ हैं। पर थे, ये था, कोहिनूर मार्केट के पास, नहीं, जैसी मस्जिद कोहिनूर के पास, मार्केट के पास नहीं, रूबी रूबी के रूबी। पास देखे थे, हाँ, बोल रहे थे लोग। और फिर वो मुकुंदपुर हॉस्पिटल के आसपास भी मतलब 2-3 दिन पहले देखा गया था इनके सर। पास कोई नहीं, मोबाइल या कुछ पैसे वगैरह थे जाते वक्त। मोबाइल नहीं था, पैसे थे, 200 रुपये थे। हाँ काफी दिन हो गया है, हाँ आज तो सब मतलब 20 दिन हो गया। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप क्या बोलना चाहेंगे, जो आपके फादर को है, नाम बताएं आप। मेरे पिताजी का नाम अब्दुल कादिर मंसूर है, शॉर्ट में मतलब कादिर नाम ही बताएंगे वो। और आपके व्यूअर से हम यही अपील करना चाहते हैं कि मतलब अगर किसी को ऐसा दिखे तो जो इस पिक्चर नंबर, में जो देख रहे हैं हाँ जी, पिक्चर में जो दिख रहे हैं, तो इस नंबर पे मैसेज कर दे या फिर पता बता दे, हम लोग आके ले जाएंगे अपने पापा को। कांटेक्ट कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह कुछ, नंबर इसी में है, तीनों में से किसी भी नंबर पे लग जाएगा। आप लोग कहाँ से हैं, प्रॉपर किस वजह से है, ये क्लियर। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं सर, यहाँ पर जो है ना मतलब दिमाग के इलाज के लिए ही आए थे, कौन सा रविंद्रनाथ हॉस्पिटल टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर इलाज के लिए आए, उसके बाद क्या हुआ। में। ये दूसरा बार है, एक बार पहले आए थे, 2 महीने का दवाई दिया था, ये दूसरी बार आए थे, डॉक्टर को दिखा उखा के दवाई ले लिए थे। शाम में ट्रेन था तो हम लोग को दवाई लगभग 12 बजे के आसपास ही मिल गया था। शाम में ट्रेन था तो सोचे हॉस्पिटल स्टेशन जाएंगे तो वहां इधर उधर हो जाएगा, ज्यादा भीड़ रहता है हावड़ा में, तो यहीं पर बैठ के वेट कर रहे थे शाम होने का। और ये लगभग 1-1 बजे से 10 मिनट पहले का घटना है जो वो गुम हुए हैं।